फैजाबाद। फैजाबाद अयोध्या भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का एक शहर है। यह अयोध्या जिले में स्थित है। यह सरयू नदी के तट पर बसा है। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। अयोध्या जिले को पहले फैजाबाद जिले के नाम से जाना जाता था, मगर इसका नाम परिवर्तित करके अयोध्या रख दिया गया। अयोध्या शहर को कोशल के राजा मनु ने बसाया था। फैजाबाद शहर को अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने बसाया था। आइए जानते हैं फैजाबाद में घूमने वाली जगह कौन कौन सी है। अब अगली जगह है कलकत्ता किला। फैजाबाद नवाबों की राजधानी हुआ करता था और अपने शासनकाल में उन्होंने कई शानदार इमारतें बनवाई। इन्हीं में से एक था कलकत्ता किला, जिसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा सन 1764 में बक्सर के युद्ध में हार के बाद शुजाउद्दौला ने करवाया था। इतिहास के अनुसार नवाब और उनकी पत्नी अपनी मृत्यु तक किले में रहे। किले की दीवारें स्थानीय मिट्टी की बनी हुई हैं। वास्तुकला विशेष रूप से मुगल शैली का है। अब अगली जगह है हनुमानगढ़ी मंदिर। यह मंदिर अयोध्या शहर के बीचों बीच में स्थित है। यह मंदिर श्री हनुमान जी को समर्पित है। मंदिर में हनुमान जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। इस मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पर हनुमान जी की बाल्यकाल रूपी प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। अब अगली जगह है गुलाबबाड़ी। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि गुलाबबाड़ी का मतलब है गुलाब का बगीचा। यह विशाल बगीचा शुजाउद्दौला और उनके परिवार की कब्रों को घेरे पूरे क्षेत्र में फैला है। इस बगीचे को सन 1775 में स्थापित किया गया था और इसमें कई प्रजातियों के गुलाब पाए जाते हैं। गुलाब के पौधों को बड़ी सतर्कता के साथ लगाया गया है और पूरे बगीचे को पारलौकिक दृश्य प्रदान करता है। अब अगली जगह है ऋषभदेव राजघाट उद्यान। फैजाबाद एक प्रमुख तीर्थ स्थान और ऐतिहासिक स्थान है। यह थोड़ा आश्चर्य की बात है कि यह प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ सजावटी पौधों के अलावा इसका प्रमुख आकर्षण प्रथम जैन तीर्थांकर ऋषभदेव जी की पद्मासन योग मुद्रा में एक विशाल 22 फीट की प्रतिमा है। अब अगली जगह है बड़ी देव काली देवी मंदिर। यह मंदिर पूरे अयोध्या शहर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर में विराजमान देवी श्री रामचंद्र जी की कुल देवी थी। यह मंदिर प्राचीन है। इस मंदिर में देवी गिरजा के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर एक कुंड देखने के लिए मिलता है। नवरात्रि में यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। अब अगली जगह है श्री राम जन्मभूमि। श्री राम भगवान की जन्मभूमि है। यह पूरे देश में प्रसिद्ध एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर श्री राम भगवान जी के बाल गोपाल रूप में दर्शन करने के लिए मिलते हैं। अभी यहाँ पर श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है। यहाँ लक्ष्मण जी के, भरत जी के और शत्रुघ्न जी के दर्शन करने के लिए मिल जाते हैं। अब अगली जगह है श्री नागेश्वर नाथ मंदिर। यह मंदिर राम की पौड़ी के पास में स्थित है। यह मंदिर बहुत सुंदर है और बहुत ही प्राचीन है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण श्री राम के पुत्र कुश ने करवाया था। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। अब अगली जगह है गुप्तार घाट। गुप्तार घाट वह लंबा स्थान है जहां पर पाई जाने वाली पत्थर की सीढ़ियां सरयू नदी की ओर ले जाती हैं। हिंदुओं में इस घाट को बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने पृथ्वी छोड़ने के लिए यहीं पर जल समाधि ली थी और भगवान विष्णु के पवित्र घर या बैकुंठ में प्रवेश किया था। अब अगली जगह है अशर्फी भवन। यह शर्फी भवन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के समय यहाँ पर सोने के सिक्के मिले थे, इसलिए इस भवन को अशर्फी भवन के नाम से जाना जाता है। इस भवन में श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। अब अगली जगह है कनक भवन। यह मंदिर पूरे अयोध्या शहर में प्रसिद्ध है। यह धार्मिक स्थल है। यह मंदिर माता सीता और प्रभु श्री राम जी को समर्पित है। यह अयोध्या शहर में स्थित सबसे पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि कनक भवन को माता कैकेयी के द्वारा सीता जी को मुह दिखाई की रस्म में तोहफे के रूप में दिया गया था। यह भवन त्रेता युग में पूरी तरह सोने का बना हुआ था।
कलयुग में राजा विक्रमादित्य के द्वारा इस भवन पुनः निर्माण किया गया था और 19वीं शताब्दी में ओरछा के राजा के द्वारा इस भवन का निर्माण किया गया। अब अगली जगह है गुप्तार घाट एवं श्री राम मंदिर। यह मंदिर एवं घाट घाघरा नदी के किनारे बने हुए हैं। यह मंदिर प्राचीन है। मंदिर में श्री राम जी की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यहाँ सूर्यास्त का दृश्य बहुत जबरदस्त रहता है। यहाँ पर आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। अब अगली जगह है राम की पौड़ी। यहाँ पर सरयू नदी का सुंदर घाट बनाया गया है। यह घाट मानव निर्मित है मगर बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर आप स्नान करके अपने सारे पाप धो सकते हैं। यहाँ पर सरयू नदी बड़ी ई की मात्रा का आरती स्थल बना हुआ है। राम की पौड़ी पर दीपावली के समय बहुत बड़ा उत्सव रहता है। दीपावली के समय यहाँ पर लाखों दीपक एक साथ जलाए जाते हैं। अब अगली जगह है नवाब शुजाउद्दौला का मकबरा। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह मकबरा बहुत ही सुंदर है। यह मकबरा देखने में ताजमहल के समान लगता है। मकबरे के चारों तरफ सुंदर गार्डन बना हुआ है जो बहुत ही आकर्षक लगता है। नवाब शुजाउद्दौला का मकबरा के निर्माण नवाब शुजाउद्दौला ने स्वयं करवाया था। इस मकबरे में आपको एक मस्जिद, इमामबाड़ा, शाही हमाम तथा बारादरी देखने के लिए मिलती है। अब अगली जगह है बहू बेगम का मकबरा। यह मकबरा बहुत ही सुंदर है। यह शुजाउद्दौला की पत्नी का मकबरा है। यह मकबरा फैजाबाद की सबसे ऊंची इमारत है। यहाँ पर बगीचा बना हुआ है और बगीचे के बीच में मकबरा देखने के लिए मिलता है। मकबरे का निर्माण कार्य दरार अली खान एवं उनके वकील पन आहली ने बनवाया था। यह मकबरा शहर के बीचों बीच बना है। अब अगली जगह है कंपनी गार्डन फैजाबाद। यह एक बहुत बड़ा गार्डन है और बहुत सुंदर है। यह गार्डन घाघरा नदी के पास में ही बना हुआ है। इस गार्डन में बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों वाले पौधे लगे हुए हैं, जो इस गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे झूले भी हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। अब अगली जगह है सरयू नदी का घाट। सरयू नदी के किनारे बहुत सारे घाट बने हुए हैं, जहाँ पर आप घूम सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। सरयू नदी प्राचीन है। यहाँ पर आपको कौशल्या घाट, पापमोचन घाट, लक्ष्मण घाट, राम घाट, लक्ष्मण घाट, जानकी घाट और भी बहुत सारे घाट देखने के लिए मिलते हैं, जिनका अपना ही धार्मिक महत्व है। अब अगली जगह है महाराज दशरथ राज महल। यह एक प्रसिद्ध स्थल है। यह महल भगवान श्री राम जी के पिता दशरथ जी का है। इस महल के अंदर श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता जी के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में महाराजा दशरथ जी के राजमहल में चारों भाई श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी यही भवन में खेला करते थे। अब अगली जगह है मिलिट्री मंदिर फैजाबाद। इस मंदिर को डोगरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मंदिर डोगरा रेजिमेंट में स्थित है। यह मंदिर बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बनाया गया है। इस मंदिर में बहुत सारे देवी देवता विराजमान हैं। यहाँ पर आपको शंकर जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी के दर्शन करने के लिए मिलता है। इस मंदिर में आप जाते हैं तो आईडी कार्ड लेकर जाए, क्योंकि यहाँ पर चेकिंग होती है। अब अगली जगह है तुलसी उद्यान गार्डन। यह गार्डन फैजाबाद में स्थित है। यह फैजाबाद की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बड़ी सी मूर्ति है, जो इस गार्डन को और भी सुशोभित करती है। यहाँ पर बहुत से पर्यटक आते हैं और यहाँ आने से बहुत ही शांति का अनुभव प्राप्त होता है।